हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास सेवन्थ फाइबर टू फैब्रिक। इन क्लास सिक्स्थ यू हैव लर्न्ड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, क्लास सिक्स्थ में आपने सीखा है कि कुछ फाइबर्स जो हैं वो हमें प्लांट्स से कैसे मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। आपने यह भी सीखा है कि वुल और सिल्क जो है वो हमको एनिमल से कैसे मिलते हैं। वुल इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। तो वुल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? फ्लीस से। फ्लीस किसे कहते हैं? हेयर्स को। तो जो शीप और याक के हेयर्स होते हैं उनसे हमको वुल मिलता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? सिल्क मोथ के कोकून से। कोकून दैट मीन उसका एक टाइप का शेल होता है, बाहरी खोल होता है उससे। डू यू नो विच पार्ट ऑफ शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर? आपको पता है शिप की बॉडी के कौन से पार्ट पर, उससे कौन से पार्ट से हम लोग फाइबर ऑब्टेंड करते हैं? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इंटू वुलन यार्न? आपको क्या आपको पता है कि ये जो फाइबर है उसको वूलन यार्न में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीड स्वेटर्स। जिसको कि हम लोग कहाँ से लाते हैं? बाजार से लाते हैं। किस लिए? स्वेटर बुनने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर से हम लोग सिल्क कैसे बनाते हैं? विच इज़ वूवन इनटू साड़ी, जिससे कि हम लोग साड़ी को बुनते हैं। इन दिस चैप्टर वी शिल ट्राई टू फाइंड आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने के बारे में। एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं? वुल एंड सिल्क जो हैं वो एनिमल फाइबर्स होते हैं। वुल, वुल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वुल हमें शीप, गॉट, याक और कुछ दूसरे एनिमल्स मिलता है। दिस वुल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन दियर बॉडी। और ये जो वुल है वो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वहाँ से हमें मिलता है। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके शरीर पे ये हेयर का थिक कोट, ऐसी मोटी चमड़ी उनकी जो होती है जिसपे बहुत मोटी परत होती है हेयर्स की, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। हेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर फोर। ठीक है, आप चैप्टर फोर में आप पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो हेयर जो है वो इन एनिमल्स को क्या करते हैं, गर्म रखने का काम करते हैं। वुल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। और वुल जो है, वुल वर्ड जो है वो इन्हीं हेयरी फाइबर से डिराइव किया गया है। एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फील करो अपने हेयर्स को जो कि आपकी बॉडी पे हैं, आर्म्स पे हैं और जो कि आपके हेड पे हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको उनके बीच में कोई अंतर दिखता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? उनमें आपको कौन से ऐसे रूखे लगते हैं, कड़क लगते हैं, और उनमें से कौन से आपको नर्म लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं? लाइकस द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म्स इट्स फ्लीस। है ना, तो जैसा कि हमें पता है ना कि जो हेयरी स्किन होती है शिप की वो कैसी होती है, दो टाइप की होती है। ठीक है, दो टाइप के फाइबर्स की होती है। कैसे फाइबर्स की? द कोज बियर्ड हेयर, एक तो रूखे बाल, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और नरम सॉफ्ट बॉल जो कि उनके हेयर के स्किन के पास होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वुल। तो ये जो फाइन एयर होते हैं वो हमको फाइबर देते हैं जिससे कि हम क्या बनाते हैं, वुल। सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं, कुछ ऐसी नस्लें होती हैं शीप्स की जो कि जिनके कि सिर्फ फाइन हेयर ही होते हैं,
डियर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. तो जिन ऐसी ब्रीड्स जिनके सॉफ्ट हेयर होते हैं, ऐसी प्रजातियों को चुना जाता है और फिर उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि उनकी आने वाली नस्लें भी इसी टाइप की फाइन हेयर वाली, सॉफ्ट हेयर वाली शीप को जन्म दे सकें. दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो इस टाइप की प्रोसेस जिसके अंदर हम ऐसे पेरेंट्स, शीप के ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनका, जिनकी पास एक स्पेशलिटी होती है, है ना, एक विशेषता होती है जिनकी, कि जिनके हेयर जो है वो सॉफ्ट होते हैं. तो इस टाइप की जो ब्रीडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. एनिमल दैट यील्ड वूल. अब एनिमल से हम लोग वूल को कैसे प्राप्त करते हैं. सेवरल ब्रीड ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. बहुत सारी ब्रीड्स हैं शीप की जो कि हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है. हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ वुड. तो सिर्फ शीप ही इसका सोर्स नहीं है वुल का, कि जिससे हमको वुल मिलती है. दो वुल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज़ शीप वुल, पर जो हमको मार्केट में जो वुल मिलता है वो शीप वुल होता है. याक वुल इज़ कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख. जो याक का वुल है वो कहाँ मिलता है, तिब्बत और लद्दाख में. मोहर इज़ ऑप्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉट. और एक टाइप का वुल जो होता है जिसको मोहर कहते हैं वो हमको अंगोरा गॉट से मिलता है. फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमको कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में. तो फिगर 3.1 देखते हैं. फिगर 3.1 में क्या है, ये शिप है जिससे हमको थिक हेयर मिलता है जिसका, ठीक है. फिगर 3.2 में ये याक है, ठीक है. याक को भी यूज़ करते हैं वुल के लिए. फिर इसके अलावा ये अंगोरा गॉट है 3.3 में, ठीक है, जो कि हमको हिली एरिया से मिलती है. ये नॉर्मल गॉट है, इससे भी वुलन मिलता है हमको. फिर कुछ केमल्स होते हैं जैसे ये अल्पाका एंड लालमा, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ये साउथ अमेरिका में. तो इनसे भी हम लोग क्या निकालते हैं, वुल निकालते हैं. वुल इज ऑब्टेंड फ्रॉम गॉट हेयर. वुल जो है वो हमको कहाँ से मिलता है, हेयर से मिलता है, गॉट के. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट. कश्मीरी गॉट का अंडर फर कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है. इट इज़ वूवन इन टू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल. इनसे एक टाइप की फाइन शॉल बनाई जाती है जिसको पश्मीना शॉल कहा जाता है. द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वुल. कैमल की बॉडी पे जो फर होता है उसको भी हम लोग वुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं. लालमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वुल. लालमा और अल्पाका ये भी जो है साउथ अमेरिका में एक टाइप की काइंड है कैमल्स की, जिनसे हम लोग अभी जैसे मैंने पिक्चर में आपको बताया फिगर 3.6 और 3.7 में, लालमा और अल्पाका, इनसे भी हम लोग क्या निकालते हैं, हमको वुल मिलता है. एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल हुज हेयर इज यूज एज वुल. आपको क्या करना है, ऐसे एनिमल्स का पिक्चर कलेक्ट करना है जिनसे हमको, उनके हेयर से हमको क्या मिलता है, वुल. स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक. उसको आपको अपनी स्क्रैप बुक में स्टिक करना है. इफ़ यू आर अनएबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिलती है, ट्राई एंड ड्रॉ देम फॉर द वंस गिवन इन द इन दिस बुक. इस बुक में जो दिए हुए हैं उसमें से देखकर एक बार आप उसको बनाने की कोशिश करो. फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गॉट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री. और ये पता लगाने की कोशिश करो कि जो वर्ड्स हैं शीप, गॉट, कैमल एंड याक, इसको आपकी लोकल लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेजेस में, अदर कंट्री की लैंग्वेजेस में इनको क्या कहते हैं. एक्टिविटी 3.3 प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड. अब आपको क्या करना है, इंडिया या वर्ल्ड का एक आपको आउटलाइन मैप लेना है. फाइंड आउट
एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वुल. अब उसमें मार्क करना ऐसे प्लेसेस को जहाँ पर ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जो कि हमको वुल को प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हमको वुल मिलता है. यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वुल यील्डिंग एनिमल. अब आपको डिफरेंट टाइप के लोकेशंस के लिए डिफरेंट कलर लेने हैं, है ना, डिफरेंट वुल के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेने हैं और उनको मार्क करना है. नाउ नेक्स्ट पेज, फ्रॉम फाइबर टू वुल. अब फाइबर से हमको वुल कैसे मिलता है. फॉर ऑब्टेनिंग वुल शिप आर रियर्ड. वुल को पाने के लिए सबसे पहले शिप पे पालनी पड़ती है हमको, शिप को पालना पड़ता है. देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इन टू वुल. फिर उसके बाद उनके हेयर कट किए जाते हैं, उनको एक प्रोसेस किया जाता है. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. अब हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. ठीक है, शिप को पालना और उनकी ब्रीडिंग करना, है ना, उनका प्रजनन करवाना, उनको उनके जैसी शिप का जन्म देना. इफ यू ट्रेवल टू हिली हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर. कभी आप जम्मू और कश्मीर की हिल्स में ट्रेवल करने गए होंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेपर्ड्स टेक दियर हर्ड ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग. आपने वहाँ पे देखा होगा इन प्लेसेस पर कि वहाँ पर जो शेपर्ड्स होते हैं, चरवाहे होते हैं, वो एक झुंड को, हर्ड ऑफ शिप मतलब शिप के झुंड को चराने के लिए लाते हैं प्लेन्स में. शिप आर हर्बीवोरस एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स. शिप कैसी होती है, हर्बीवोरस होती है, है ना, शाकाहारी होती है, जो कि सिर्फ ग्रास और लीव्स खाती हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रेयरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, है ना. ऑयल केक्स क्या होते हैं, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द सीड्स एंड मिनरल्स. अब ग्रेजिंग के लिए ये शीप को क्या खिलाते हैं, जो रेयरर्स उनको पालने के लिए क्या खिलाते हैं, मिक्सचर खिलाते हैं पल्सेस का, ठीक है, कॉर्न खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, ऑयल केक. ऑयल केक मतलब ऐसा मटेरियल जो कि ऑयल सीड्स से मिलता है, उनको ऑयल बनाने के बाद उनके सीड्स का जो लेफ्ट ओवर होता है उससे बनता है, एंड मिनरल्स से. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर. और विंटर में शीप को कहाँ रखा जाता है, अंदर की जगह किसी शेल्टर में रखा जाता है और उनको खाने के लिए पत्तियाँ, ग्रेन्स और ड्राई फोडर दिया जाता है, सूखा भोजन दिया जाता है. शीप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वुल. टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड इन अवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वुल. अब जो नीचे 3.1 टेबल जो दी हुई है, इसमें ये बताया गया है कि हमारी कंट्री में किस टाइप की जो ब्रीड्स होती हैं उनसे हमको किस टाइप का वुल मिलता है, किस क्वालिटी का, और ऐसे स्टेट जहाँ पर कि ये पाई जाती है. तो यहाँ पे इनके नेम दिए हुए हैं. सर्टेन ब्रीड ऑफ शीप हैव थिक कोट हेयर ऑन दियर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी इन लार्ज क्वांटिटीज. इनमें से कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिनका जो हेयर कोट है वो कैसा होता है, थिक होता है उनकी बॉडी पे, और जो कि अच्छी क्वालिटी की होती हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो हमको लार्ज क्वांटिटी में वुल देती हैं. एज मेंशन अर्लियर, जैसा कि आपको पहले बता दिया है इस लेसन में, द शीप आर सिलेक्टिवली ब्रीड. जो इसके लिए कौन सी ब्रीड को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिवली ब्रीड. विच वन पेरेंट बींग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड. जिनके पेरेंट जो हैं वो कैसे होते हैं, अच्छी ब्रीड के होते हैं, है ना, जिनके हेयर सॉफ्ट होते हैं. वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वुल. और फिर उसके बाद क्या जाता है, इन शीप को पाला जाता है, फिर इनके जब शरीर पर ये हेयर की थिक ग्रोथ जो है वो कैसी हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद उन हेयर को शेव करके निकाल लिया जाता है और उससे हमको वुल मिलता है. प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल. अब फाइबर से वुल कैसे बनता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है. द वुल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और
फॉर वीविंग शॉल इज फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, है ना। जो वुल होती है जिससे कि हम लोग स्वेटर बनाते हैं और या शॉल बुनते हैं, तो वो ये पूरी प्रोसेस कब फिनिश होती है, कुछ स्टेप्स के बाद, एक लॉन्ग प्रोसेस होती है उसके ज़रिए हम लोग इसको बनाते हैं। स्टेप वन, द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विथ अ थीन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीरिंग। अब जो ये जो हेयर को निकालने की, हेयर की जो कोटिंग होती है उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है शीप की बॉडी के ऊपर से, तो उसकी स्किन पे से जो शीप हेयर की जो लेयर निकाली जाती है उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू डोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेयर ऑफ हेयर। अब उसमें भी वही मशीन यूज़ की जाती है जैसे कि जो बार्बर हेयर को शेव करने के लिए यूज़ करते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, और ये हेयर हॉट वेदर में निकाले जाते हैं गर्मी के समय में। दिस अनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट दियर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, जिसके कारण वो क्या करते हैं, शीप को इस लायक बनाते हैं ताकि शीप जो है बिना प्रोटेक्शन के, हेयर के कोट के बिना प्रोटेक्शन के भी सर्वाइव कर सके, क्योंकि अगर ठंड में निकालेंगे तो वो शीप को ठंड से वो मर जाएगी। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, अब जो हेयर है वो हमको क्या देते हैं, वूलन फाइबर देते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न, और वूलन यार्न को, वूलन फाइबर्स को प्रोसेस करके हम लोग क्या बनाते हैं, वूलन यार्न। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट हेयर कट और योर फादर शेयर्स हिज बियर्ड, डू यू नो व्हाई। अब आपने देखा होगा कि जब शेयर्स हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब शीप के खाल पर से, उसकी स्किन पर से हम लोग जब उसके बाल निकालते हैं तो उसको हर्ट नहीं होता है, ठीक उसी तरह जब हमारा हेयर कट होता है या हमारे फादर शेव कर रहे होते हैं उनकी बियर्ड को, तो उनको भी हर्ट नहीं होता है। डू यू नो व्हाई, क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो कैसी होती है, डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डस, तो उसके बाद वापस से काट लेने के बाद शिप के हेयर जो हैं फिर से उग जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। नाउ स्टेप सेकेंड, द शियर्ड स्किन विथ हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन अ टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, जो ये स्किन जो उसकी निकाली होती है, स्किन पे से जो हेयर्स निकाले जाते हैं उनको एक टैंक में वॉश किया जाता है, उससे ग्रीस डस्ट और डर्ट को, उसमें चिकनाहट जो होती है उसको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स, अब आज के दिनों में ये जो प्रोसेस है वो किससे की जाती है, मशीन से की जाती है। फिगर 3.8 बी एंड सी में ये बताया हुआ है, ये शेयरिंग की जा रही है ए में और बी में, यहाँ पे एक टैंक के अंदर इसको धोया जा रहा है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग। देन फिर आजकल जो मशीन्स के द्वारा हम लोग स्कोरिंग करते हैं वो इस टाइप से होती है। सेकेंड, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, फिर स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। द हेयरी स्किन इज सेंट इन ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, फिर उसको कहाँ जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ से डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टेक्सचर के, अलग छोटे बड़े सॉफ्ट इस टाइप के हेयर्स को अलग सेपरेट किया जाता है, उनको सॉर्ट कर लिया जाता है। स्टेप फोर, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, अब जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बर्ड्स, जो कि कहाँ से निकाले जाते हैं, इनकी हेयर पे से। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपियर ऑन योर स्वेटर्स, आपने ऐसे देखा होगा ना, ऐसे रोए उठ जाते हैं कभी कभी अपने स्वेटर्स के ऊपर। द
फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड, तो ऐसे फाइबर को फिर से स्कर्ड किया जाता है, उसको धोया जाता है और उसको फिर से सुखाया जाता है. दिस इज द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर, और अब इस तरह से वूल जो है तैयार हो जाता है जिससे कि हम लोग फाइबर को निकाल सकें. स्टेप फाइव, द फाइबर कैन बी डायड इन वेरियस कलर, अब फाइबर को जो है रंगा जाता है अलग अलग कलर्स में. एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गॉट इज़ ब्लैक, अब जो नेचुरल फ्लीस होता है शिप का वो या गॉट का वो कैसा होता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट होता है. स्टेप सिक्स, द फाइबर आर स्ट्रेटन, उसके बाद फाइबर को क्या किया जाता है, स्ट्रेटन मतलब उसको सीधा किया जाता है, कॉम्ब्ड किया जाता है ना, उसको सुलझाया जाता है एंड रोल्ड इनटू यान, और फिर उसके बाद उसको रोल किया जाता है, लपेटा जाता है यान की फॉर्म में. द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ्स, जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनसे वूल बनाए जाते हैं है ना, और वो वूल जो है वो स्वेटर्स के लिए भेजा जाता है मार्केट में. एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इन टू वूलन क्लॉथ, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको स्पन किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, वूवन क्लॉथ के लिए. ये यहाँ पे स्पनिंग हो रही है, ये इनको ऐसे रोल करते हैं यहाँ को. तो ये एक प्रोसेस लिखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइबर इन टू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट शेयरिंग, देन स्कोरिंग, देन सॉर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, देन रोलिंग और डाइंग. पहले डाइंग की जाती है, देन इसकी रोलिंग की जाती है.